लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। डॉक्टर राजीव सूद भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा डॉक्टर वाइस राय नेशनल अवार्ड से सम्मानित, वर्तमान में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कार्यरत तथा उनकी पत्नी रीबा सूद ने आजादी का अमृत महोत्सव के विशेष समारोह में महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कॉलेज के बच्चों को विशेष रूप से संबोधित किया। चिंतपूर्णी से मनोज डोगरा की रिपोर्ट। मेडिकल प्रोफेशन जिसको मैं बिलोंग करता हूँ कंपलसरी कर दिया, इसमें कुछ SOPs बनती हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, और उसमें बच्चे को बताया जाता है कि कॉलेज क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके फर्स्ट ईयर में क्या होगा, सेकंड ईयर में क्या होगा, और उसके लाइफ के एम क्या होंगे, और उसके उसको अपने प्रोफेशन में कैसे शाइन करना है। और अगर ये सारी गाइडेंस मिलती है और ओरिएंटेशन को कंपलसरी बनाया जाता है तो इस कॉलेज का जो अम्ब के अंदर जो ये आपका कॉलेज है जिसमें आर्ट्स साइंस और मेडिकल डिसिप्लिन भी सारे के सारे एक बेस उसका तैयार किया जा रहा है, एक नींव तैयार की जाती है, और उसके अंदर अगर ठीक से ओरिएंटेशन होगा तो मैं जैसा कि अभी शेयर किया बच्चों के साथ भी कि वो दिन दूर नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी प्लेसमेंट एजेंसीज नेशनल और इंटरनेशनल खुद आके टैलेंट सर्च करेंगी और यहाँ के बच्चों को, हिमाचल के बच्चों को, प्रदेश के बच्चों को एक विश्व स्तर का इंडिया में इंस्टीट्यूशन या इंडिया के बाहर इंस्टीट्यूशन में प्लेसमेंट्स होंगी एक अच्छे पैकेजेस के साथ। वो अपना खुद का प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं, या अपना लाइफ की स्ट्रीम कौन से सब्जेक्ट के अंदर वो ओरिएंटेड है वो डिसाइड कर सकते हैं। स्वतंत्रता का जो अमृत महोत्सव चल रहा है इसके जो 75 साल हैं, इन 75 साल के कंप्लीट होने पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च 1921 से 75 हफ्तों का एक कार्यक्रम बनाया जो 23 में खत्म होगा 2023 15 अगस्त को, और इसके अंदर 75 थीम्स हैं। और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ आके कि यहाँ पे ट्री प्लांटेशन से लेके और स्वतंत्रता सेनानियों या इंडिया के जो टारगेट्स हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है, और पूरा ओरिएंटेशन इन सारी थीम्स को एक बड़े कार्यक्रम के अंतर्गत समाहित कर कर और उसको चलाया जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं है कि अम्ब का ये जो महाराणा प्रताप कॉलेज है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ये एक बहुत बड़ा लीड कॉलेज बनेगा। अगर ये वाला जज्बा कायम रहता है तो हमारे प्रदेश का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के में अपना नाम रोशन करेगा, और यहाँ के बच्चों के टैलेंट्स हमने देखे हैं और हम लोगों ने उनको कल प्रोत्साहित भी किया है। मेरिटोरियस 102 बच्चों को कल अवार्ड्स रिवार्ड्स दिए गए, और मैं आपको सिर्फ ये शेयर कर रहा हूँ लास्ट में कि अवार्ड और रिवार्ड्स जो हैं वो सर डॉक्टर राजीव सूद, मैं हिमाचल में गर्ली प्रागपुर में ब्लॉक में क्लोवा विलेज से बिलोंग करता हूँ। इस टाइम मैं दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और जो उसका एसोसिएट अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज है या पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है उसका डीन फाउंडर डीन रहा, और 10th मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली का क्रिएट हुआ उसमें मेरा योगदान रहा। मेरे पास अपनी इन सब उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति ने चूज किया है फॉर नेशनल अवार्ड, दैट इज डॉक्टर VC राय नेशनल अवार्ड। बच्चे को मत करो सैंपल पहले, ये एक बहुत ये एक बहुत गर्व की बात है कि स्कूल के बच्चों के साथ कल और आज कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, और वो भी तब जब यहाँ पे ओरिएंटेड